Tene daksa ngay ambu jalta sala la just yot major parmo le tene khon nang tene khak chi kino kene daksa tene bike rally nga tane tene yot kino khala le Kargil Vijay Diwas nang dete kauksi mo le Jule jigmedle tene tene na jun ki iu kitena halale 25 years of Kargil Vijay Diwas celebration na kitena iya mark chi kino yale kawe na kitena nga tane start le ne no yale pura Ladakh cover jate nga tane ka jo nga tane द्रास वॉर मेमोरियल लियो क्या तेरो खेते ना रीड लेंग चुस्ते ई बे खेते नांग आता है फ्लैग इन छे चुस्ते नोश कुछ ई बे मेन मोटिव पोना एजेंडा ची नोश जुना आता है विमेन पोमो ने खेते नांग कोक शी कॉन्ट्रीब्यूशन आती नेशन शेपिंग इना हाल ले ज्यादा ते ओ खेते नांग चचिक जुक चुचे से फिया इना 25 इयर्स इना खेते नांग 25 विमेन पार्टिसिपेंट्स होती है लेका ओ खेते नांग इकने बाइक का इकने फ्लैग ऑफ जाते खुन पूरा लेक होते तेने इन्ने का बाइक का फ्लैग इन जाचे सुनो याले तेने तेना मेन मोटिव नोते ना जुक चला कि आता है विमेन ने खेते नांग चमशिक इंटीग्रल पार्ट हाल है चम शिखो ने रोक्स ना कॉन्ट्रीब्यूशन यो था ई ऑर्गेनाइजेशन या मैंने नेशन बिल्डिंग ना तो डिपिक चुचे से फिर यू खेते ना जस्ट अ सिम्बॉलिक वेज नोले तेने इवन अंडर ई बैग रैली के तेने मैसेज आ वाले को छे नोले की पोमोगुन आता छान ले आता मान छने ची चो ना देखनो पक्का ले तेने ना जुइन नंग जिन इबे मेन एजेंडा बजु ना तेना नो याले की आता ची चलक चिंग बित खले ले का चो मेन गुलंगी मंग पो जुइन नंग जिन की ची जिग यो ना आता इमी छेना पूरा चो नो याले तेने तेना ओके ना चाहे पुचा एंडो पोमो न रा ना ख्यू दियो ना रा ना स्पाल यो ना चलक ची जमत के का चो मेन इना ओके तना ई बाउंड्री ना ता चक्चे से ई सीलिंग ब्रेक चो चे से खेते ना दक्षा ता पोमो वैसे गेला चो ना यो तो नो याले बट ना यू सीलिंग ब्रेकर इना बाउंड्री कितना आता है जो को चक्चेस की चीज कितना इमिट है ना यार चाहे पूछा इंडो पोमो नो रायना क्यों दो ना रायना स्पाल यो ना चो चलक चो मिया जिसी मित कर जुचे से यू कितना मेन मैसेज नोले नेशन बिल्डिंग इफ़ या थैंक यू कारगिल विजय दिवस को इस बार पूरे 25 साल हो रहे हैं और इसी के चलते उनको उनके बलिदान को नमन करने के लिए एक वुमेन्स बाइक रैली जो आयोजित किया जा रहा है यहाँ से और इसे फ्लैग ऑफ करेंगे LGUT लद्दाख द्वारा। तो अभी हमारे साथ कुछ राइडर्स जुड़े हैं। मैम आपका नाम वीना। तो जो यहाँ से अभी फ्लैग ऑफ होगा और यहाँ से आप ले जाएंगे बाइक रैली, क्या कहेंगे? बाइक रैली के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम ये कारगिल दिवस में जो ये रैली है इसको हम कर रहे हैं और हम अपने जो वीर जवान हैं उनको ओमेज पे कर रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं इसके लिए। तो मैम कितने राइडर्स हैं टोटल? हम 25 राइडर्स हैं इस रैली। तो इससे पहले भी आप बाइक रैली जो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया, ये फर्स्ट रैली है? ये मेरी फर्स्ट रैली। तो मैम हम बहुत एक्साइटेड हैं। ये मेन इसका मोटिव जो है वो है हमारे जो मार्टियर्स हैं उनको होमेज पे करना। कारगिल विजय दिवस 25th कारगिल विजय दिवस है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो और दूसरा मोटिव हमारा है नारी सशक्तिकरण। तो इस रैली के थ्रू हम अपने मार्टियर्स को, शहीदों को होमेज पे कर रहे हैं और हम ये भी दिखा रहे हैं कि आज की जो विमेन है वो कितनी एम्पावर्ड है और वो सेल्फ डिपेंडेंट है, ये हमारा मैसेज है। मैम ज़्यादातर जो बॉयज़ हैं वो रैली ले जाते हैं और इस बार देखा गया कि वुमेन्स क्या करती हैं। ये जो स्पोर्ट है, जो रैली बाइक रैली स्पोर्ट है, ये जनरली मेल के लिए है। बट इस रैली के से हम ये प्रूव करेंगे कि जितनी भी हमारी 25 राइडर्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज की हैं, जैसे उसमें आर्मी ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, उसमें स्पाउसेज हैं सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स के, और उसके अलावा हमारे पास दो CMP के जवान भी हैं जो लेडी जवान हैं। तो हम ये प्रूव करेंगे कि जितनी भी जो भी विमेन को इंटरेस्ट किया जाता है, जो भी काम दिया जाता है, वो अब बिल्कुल सिंसियरिटी से और बहुत अच्छे से करती हैं और उसको ख़त्म करती हैं। और इस रैली से ये भी हम साबित करेंगे कि जो स्पोर्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है। तो जो भी पैशनेट है बाइकिंग के लिए, ये दर्शाएगा कि इससे हम ये भी साबित करेंगे कि जो भी NCC कैडेट्स हैं, जो भी यूथ हैं, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम उनको प्रेरित करेंगे। इतना हार्श कंडीशन में है मैम यहाँ पर थोड़ा वेदर, तो क्या कहेंगे इसमें आप? आसान होता तो फिर रैली करने का मतलब ही नहीं था। हार्श है इसलिए हम लोग जा रहे हैं, और हम ये भी प्रूव करना चाहते हैं कि जब हमारे वीर जवान इतनी चोटियों पे हमारे देश को वो दिखा पाए, हमें जीत दिला पाए, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हम वही दिखाना चाहते हैं और हम सबको मोटिवेट करना चाहते हैं कि हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। हमारा बस मोटिव वही है। मैम लास्टली आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे जो ऑल इंडिया में जितने भी वुमेन्स रहेंगे उनके लिए क्या? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितने भी आर्म फोर्सेज हैं
उसको जो भी टास्क दिया जाता है वो बखूबी अपना काम पूरे करते हैं। और आर्म फोर्सेस में इट डजेंट मैटर वेदर यू आर अ मेल ऑफिसर और अ फीमेल ऑफिसर, जेंडर न्यूट्रलिटी है। सो ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जो विश्वास सेना में बनाए रखा है लोगों ने उस पर हम खरा उतरेंगे। और एक और बात कहना चाहूँगी, आई एम वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ इट। मेरे पापा कारगिल वॉर में थे और सो दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच। तो अभी ये जो हैं ये राइडर्स हैं जो अभी जो यहाँ पर 25 तारीख को जो 26 जुलाई 26 तारीख को जो 25वां जो कारगिल विजय दिवस यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके चलते आज जो यहाँ पर बाइक रैलीस है जो अभी कुछ देर बाद यहाँ पर LGUT लद्दाख द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा। जैसे कि हमसे बातचीत करते हुए राइडर्स ने कहा है कि वुमेंस ऑल जो वुमेन जो पार्टिसिपेट करें, उन्होंने कहा है कि इसमें 25 राइडर्स हैं और ये कारगिल विजय दिवस में पार्टिसिपेट करेंगे। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक मेनिस दाखिल ले से। ये देखिए, इसके दो अलग अलग पहलू हैं। पहला तो हमारा कारगिल विजय दिवस का है और आज के 25 साल पहले हमारे फौजियों ने क्या किया, और दूसरा उसको हम किस तरीके से आज तक देख रहे हैं। और दूसरे में एक और भाग है कि हमारी जो बहनें हैं वो क्या कर रही हैं। हमको, मैं दूसरे से शुरू कर रहा हूँ, हमारी बहनें, हमको इतनी खुशी हुई कि ये बहने इतना बड़ा 2000 किलोमीटर का एक जो सफ़र है उसको तय करेंगी, मोटरसाइकिल पर तय करेंगी, हर जगह से जाएंगी, हर मौसम से जाएंगी, हर ट्रेड से जाएंगी, यहाँ तक कि उलमिगला जा रही हैं जो सबसे ऊंची सड़क है। तो उनको मैं शाबाश कहना चाहता हूँ। उसमें एक हमारी लद्दाख की भी बहन है, पता है जी, लद्दाख की भी बहन है। तो हमको बहुत खुशी है कि ये पूरी बहनें हमारे उसमें शामिल हैं और हमारे लद्दाख की भी एक हमारी बहन है। दूसरा, जो हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा माने है। माने ये है कि फौज वाले तो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं हमारे बॉर्डर पर, कोई केरल का है, कोई तमिलनाडु का है, देखो ये कोई यहाँ पर भुज का है, कोई यहाँ उड़ीसा का है, कोई यूपी का है, वो यहाँ पर जब आते हैं तो उनका पर्सनल कोई ऐसा इसमें स्टेक नहीं है, लेकिन उनके इज्जत का स्टेक है। तो उस इज्जत के स्टेक के साथ उनकी एक जो देश प्रेम की भावना है वो भरी हुई है। फिर उसको सपोर्ट देने वाला क्या है, उनकी भाभी। तो ये लोग जब यहाँ पर आते हैं इनको ये खौफ, इनको ये एहसास होता है कि भाई हमारा कोई देखने वाला है। फौज में कोई भी शहीद हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये तो कह नहीं सकते हैं। तो उनको ये यकीन है कि हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है, हमारा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खड़ा है, हमारा कोर कमांडर भल्ला खड़ा है, सभी खड़े हैं। और जब हम पहले पॉइंट पर आते हैं, कारगिल विजय, ये 1999 में हुआ। मैं रिटायर्ड हो गया था, जब वार शुरू हुई तो मैं चला गया वहाँ पर, ये जो सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उनके पास, तो मिस्टर मिश्रा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र थे। मैंने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ। बोले ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे आके बोल दिया। मैंने कहा नहीं, मैं एप्लीकेशन लाया हूँ, इंडेमनिटी बॉन्ड लाया हूँ, मेरी वाइफ लिखा है कि ये मर जाएगा तो हम क्लेम नहीं करेंगे। फिर मैं चीफ के पास गया तो उन लोगों ने कहा देखो भाई, हम तुमको नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम्हारा रिजर्व लाइबिलिटी नहीं है। मैं बोला इससे क्या होता है, लोग कहते नहीं कानून होना चाहिए, कानून खिलाफ नहीं। फिर चीफ से उनके सेक्रेटरीट से मुझे एक लेटर आया, वो लेटर मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आपने वॉलंटियर किया, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसको बहुत ही प्रशंसा करते हैं।
आप इस उम्र में भी लड़ाई पर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब आप आर्मी छोड़े थे उस वक्त जो आर्मी की कैपेबिलिटी थी आज भी वही है, और हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है मार के भगा दें। उन्होंने मार के भगाया, और इसमें सपोर्ट किसका था? आपका 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 किसका? लद्दाख वालों का। लद्दाख के लोग अम्यूनिशन ले गए जी, लद्दाख के लोग खाना ले गए, लद्दाख के लोग उनका सामान ले गए, पीछे खड़े थे कि आप बताओ मैंने क्या करना। वो कौन था? लद्दाखी था। कौन था? कारगिल का था। तो आप लोगों ने ये विजय, ये इस मुश्किल विजय को आप लोगों ने प्रैक्टिकल बनाया, तो इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा न करे ऐसा कोई लड़ाई हो, लेकिन अगर होगी तो मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद ही नहीं यकीन है, कि हमारे लद्दाख के भाई और बहन और बेटे और बेटियां और बुजुर्ग और युवा सभी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। जय लद्दाख। जय। आज हमको बड़ी खुशी हुई है कि आज हम कारगिल विजय दिवस, जिसकी अभी रजत जयंती शताब्दी का फ्लैग ऑफ हमने किया आज यहाँ से, आज 25 वुमेन राइडर्स ले से बहुत ही डिफ़िकल्ट रोड्स जो हैं ले लद्दाख के टेरेन में अपनी गाड़ी लेके गए हैं आज TVS रॉयल और अपाचे। ये खारदुंगला पास जाएंगे, उर्मिंगला पास जाएंगे, और सबसे टफेस्ट मोटरेबल पॉइंट्स पे ये गाड़ी जाएगी, जिसके थ्रू इस पूरी रैली का एक मकसद है कि हम एक नारी शक्ति जो है उसको डिपिक करें, और वुमेन एम्पावरमेंट इससे इमिजिएटली दिखता है कि कैसे एक वुमेन इतने 2000 किलोमीटर 12 दिन तक ये गाड़ी चलाएंगे। तो एज अ TVS मोटर कंपनी हमको बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रहा है कि हम इस के साथ आर्मी के साथ एसोसिएट हुए, ताकि हम ये एक रैली कमेमोरेट करें।